नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला एकमात्र गांव धामंदा जिसने देश सेवा के लिए भेजे 2 दर्जन से ज्यादा जवान। तमिलनाडु के कन्नूर में शहीद हुए जवान के गांव से 2 दर्जन से ज्यादा लाल मृत भूमि की सेवा करते हैं। और इसी के साथ जितेंद्र के चाचा का बेटा राहुल भी सेना में है, ड्राइवर की पोस्ट पर। शहीद जवान के अंतिम संस्कार के लिए सीहोर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी अंतिम दर्शन में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर ग्राम धामंदा में हेलीपैड बनाया जा रहा है। एसडीएम इछावा नायब तहसीलदार सुनीता सिंह बुधवार रात से जवान जितेंद्र वर्मा के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही जिला सीहोर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सैनिक भी सेना के नियमानुसार व्यवस्था करा रहे हैं। जितेंद्र वर्मा का जन्म 1990 में ग्राम धामंदा में हुआ और गांव के ही कुछ लोग सेना में होने के कारण उसके मन में भी बचपन से सेना में जाने का जज्बा था। जितेंद्र वर्मा के पिता एक गांव के गरीब किसान हैं। उन्होंने अपने बेटे को लोगों की मजदूरी करके पढ़ाया। जितेंद्र की 10वीं तक की पढ़ाई शासकीय हाई स्कूल धामंदा में हुई और 11+2=12 गांव के निजी स्कूल में हुई। जितेंद्र का 2011 में सेना में सिलेक्शन हुआ। जितेंद्र ने नौकरी लगने के बाद से ही परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। जितेंद्र के परिवार में दो भाई माता पिता और पत्नी और 2 बेटे बेटी हैं। शहीद के पिता शिवराज वर्मा ने जितेंद्र में नौकरी लगने के बाद अपने 4 बेटे बेटियों की शादी की और गांव से 1 किलोमीटर दूर खेत में मकान बनाया जिसमें वो निवास करते हैं। जितेंद्र वर्मा की मां बीमार रहती है, जो जितेंद्र के आय से पूरे परिवार का खर्च चलता था। जितेंद्र की शादी 2016 में हुई। उसके चाचा और बड़े पापा की माने तो कहना है कि हमारे भाई का एकमात्र सहारा जितेंद्र था और अभी 1 महीने पहले ही 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। अपने पिता को 3 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिलाकर गया था। हम बहुत खुश थे। बोलता था कि मैं अपने 2 बेटे बेटियों को देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। जितेंद्र के दोस्त का कहना है कि जितेंद्र के परिवार में पिता माता इतने पढ़े नहीं कि इसलिए उनके घर का सभी काम मैं करता था। घर के लिए जितेंद्र जो पैसे भेजता था वो बैंक से निकालकर अंकल को देता था। जितेंद्र जब भी गांव आता अपने गांव के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता था और रोज सुबह खेल ग्राउंड पर जाकर गांव के बच्चों की परेड और रनिंग कराता था। जितेंद्र सेना में 2011 में ज्वाइन किया। उसके बाद से गांव के युवाओं में देश सेना का जुनून हो गया और आज सीहोर जिले के इछावर गांव धामंदा से 2 दर्जन से ज्यादा बेटे देश सेवा कर रहे हैं। गांव के पूर्व सेना अनिल वर्मा का कहना है कि जितेंद्र बचपन से ही मुझे सेना में जाने के लिए जिद करता था। पूछता था कि मैं कैसे जा सकता हूं और मुझे उसे और अन्य युवाओं को सेवा में जाने के रास्ते बताया। जितेंद्र हमारे गांव के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। जितेंद्र के जाने से भी जितेंद्र के चाचा का कहना है कि जितेंद्र बड़े भाई के पूरे परिवार के ललन पालन में सहयोग करता था। अब उसकी 2 बेटियां हैं और हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है। हम चाहते कि सरकार बहू को नौकरी दे जिससे वो अपने 2 बेटे बेटियों और सास ससुर का ख्याल रख सके और बच्चों को पढ़ा लिखा कर जितेंद्र का सपना पूरा करे। बुधवार को सीहोर जिले के ग्राम धमंदा के शहीद जवान जितेंद्र के घर गुरुवार को सेना की 8 सदस्यीय टीम पहुंची। शहीद जितेंद्र वर्मा के घर और डीएनए टेस्ट के लिए जितेंद्र वर्मा के परिजनों का सैंपल लेकर गई जिससे कि डेड बॉडी को पहचान कर परिवार को दिया जा सके अंतिम संस्कार के लिए। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में छावर तहसील ग्राम धमंदा के जितेंद्र भी शहीद हुए। इस हादसे की खबर के बाद से ही गांव के लोग अंतिम दर्शन के लिए कभी सड़क तो कभी आसमान में टकटकी निगाहें लगाए देखते और अंतिम दर्शन के लिए बेताब है। बस इंतजार है तो गांव में शहीद जवान जितेंद्र ट्रावादिया के पार्थिव शरीर के पहुंचने का। सेना के विमान हादसे में धामंदा के पीएसओ जितेंद्र कुमार वर्मा भी शहीद हुए हैं। सर, ये जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर कब तक आने का है? देखिए, लगातार हमारी सीओ डिफेंस से बात हो रही है। उनका एक अनुमान है कि कल तक बॉडी मिल सकती है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कब तक पार्थिव शरीर उनका प्राप्त होगा और उनके लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और सर, इसमें कौन कौन नेता मतलब लीडर आने वाले हैं, जैसे सीएम साहब? ये कोई देखिए, अभी संभावनाएं हैं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही होगा बता दिया जाएगा। ठीक है। अनिल कुमार वर्मा, कहाँ रहते हैं आप? धामंदा। वर्मा जी, आपके यहाँ का एक सपूत कल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुआ है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब नायक जितेंद्र कुमार वर्मा मेरे घर के नज़दीक ही रहता था और जब मैं सेना के अंदर मैंने ज्वाइनिंग ली थी तब वो बच्चा था। उसने मेरे को और मेरे मित्र लोग को देख के वो इंस्पिरेशन होकर आर्मी उसने ज्वाइन करी थी। हर बार वो यही बोलता था कि भैया मेरे को आगे बहुत कुछ करना है, और जब भी छुट्टी आता मिलता बोले भाई साहब मेरे को अगर होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि NSG ज्वाइन करूँ। और शायद उसी चीज़ को उसने ध्यान में रखते हुए उसने NSG का कोर्स किया और NSG ज्वाइन करी और त्रिपुरा के अंदर वो सर्विस दे रहा था। तो कितने साल से सर्विस में थे? वो 2011 से सर्विस में था।
और इनकी शादी भी हो गई थी ना? हाँ, इनकी शादी हो गई। तो ये जो इनका परिवार है, मतलब कितने लोग हैं? और मतलब इनके परिवार में माताजी, पिताजी हैं, भाई है, दो बहन है और उनकी मतलब वाइफ और दो बच्चे हैं। इनके जो परिवार के आय का साधन, मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ उन पर ही निर्भर थे या कोई और भी साधन है? मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली थी तो उनके पास में ज़मीन वगैरह इकट्ठा होने की से अच्छी स्थिति थी। बाद में जब परिवार सेपरेट हो गया तो स्थिति तो डगमगा गई। उसी चीज़ को भी उसने माइंड किया और वो सेना के अंदर गया। अभी उसका जो छोटा वाला भाई है वो चार्टर्ड बस के ऊपर मतलब वर्कर है। मतलब ये कि जितेन वर्मा जो शहीद हुए उनकी सैलरी और उनकी आय से मतलब पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता था? परिवार तो सैलरी से ही चल रहा था। मतलब अब बहुत बड़ा संकट घर के सामने परिवार चलाने के लिए आ चुका है। मतलब जैसे कि उनके दो बच्चे भी है आपके अनुसार और मम्मी पापा। हाँ, तो अभी क्या है कि उनके पास में ज़मीन है पर कम है। सो देखते हैं गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है उनके लिए, ताकि अगर आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनकी फैमिली को सर्विस दे, ताकि वो पढ़ी लिखी हैं, उनका मतलब ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, अगर उनको जॉब मिल जाती है तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब अगर उनको जॉब मिल जाती है तो परिवार की जो दुर्दशा है वो सुधर जाएगी, जीवन यापन करने के लिए बरकरार रहेगी। और दूसरा ये होता है कि वो जब भी आते थे मतलब देश सेवा की भावना, मतलब जो भी बात करते, कहाँ पढ़े वो यहीं या बाहर? हाँ, उनकी पढ़ाई यहीं से हुई है, धामंदा से, अमलाह से, और कॉलेज उसका सीहोर से चल रहा था। तो आपके गांव में मैंने सुना है कि एक दर्जन से अधिक सैनिक है? ज़्यादा है, मतलब धामंदा से तकरीबन 35% मतलब पैरा मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री के अंदर है। मतलब यह कि सीहोर जिले में देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा धामंदा में सबसे ज़्यादा है युवाओं। देखिए, एक दूसरे को देख के ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जब एक बच्चा गांव का सेना के अंदर जाता है तो दूसरा स्वाभाविक ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब यह कि आप गांव के सबसे पहले सैनिक हैं शायद? नहीं, मेरे से भी सीनियर हैं, 3-4 हैं जो मेरे से पहले आ रखे हैं। अच्छा, आप रिटायर सैनिक हो है ना? जी। धन्यवाद। कहाँ रहते हो? धामंदा। ये बताइए सुंदर लाल जी, ये जो आपके यहाँ जितेन वर्मा जो शहीद हुए वो क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा। तो ये बताइए कि ये कब से सेना में थे? ये 2011 से। 2011 से थे? तो ये यहाँ जब आते थे तब कुछ बताते होंगे आपके सेना के बारे में या वहाँ जो भी होता है? हाँ, ऐसे नॉर्मल बातें शेयर किया करता था कि भाई ये वो है, ऐसी ही बातें शेयर किया करता था, बताता रहता था कि वहाँ पे ज्वाइनिंग है, वहाँ में ये काम चल रहा है, वहाँ ये काम चल रहा है। तो सेना में जाने का जज्बा उनके मन से आया या फिर परिवार ने उन्हें भेजा? उसको उत्साह ही था। 8वीं क्लास जैसे उसने पास की, 8वीं पास करने के बाद उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। कहाँ के स्कूल में पढ़ा? ये धामंदा स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में 10वीं तक, और 11वीं 12वीं प्रांजल अमला से की, और 12th करने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया था। जैसे फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन किया और उसका सिलेक्शन हो गया। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में मम्मी पापा हैं, दो बहनें हैं, दोनों भाई हैं। बहनों की शादी हो गई? दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं इनके? दो बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। तो ये बताइए कि आज कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आपके गांव का लाल शहीद हुआ, गांव के लिए तो बहुत बड़ी दुखद घटना ही, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, लेकिन अब ये बताइए कि अब आपके बड़े चाचा है जिनके यहाँ पारिवारिक स्रोत का जो मुख्य साधन था जितेन वर्मा था, तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से कि उनका परिवार सुचारू रूप से चले, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षा मिल सके, अच्छे से वो खा पी सके और पल सके, क्या चाहते हैं इसके लिए सरकार साहब? हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी बहू को सर्विस मिले, क्योंकि उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, और अगर हो सके, गवर्नमेंट अगर कर सके तो यथावत उसको टीचर की नौकरी मिले। हाँ, कम से कम वो ग्राम में ही, हमारे धामंदा में ही शिक्षिका के रूप में अपनी उपस्थिति दे। हाँ, जिससे कि मतलब अपने बच्चों का, अच्छे बच्चों का, परिवार का जो भी स्रोत है, जो जितेन के जाने के बाद जो कमियां हैं वो उसके थ्रू पूरी हो सके। तो आप क्या मानते हैं कि जितेन जो शहीद हुआ, मतलब सिर्फ गांव की क्षति हुई है या पूरे देश की?
अरे वो तो पूरे देश की क्षति है, क्योंकि वो पूरे देश का लाल था। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की जरूरत हो तो अपना ही है, ऐसा नहीं, वो तो पूरे देश की क्षति है, पूरे गांव की क्षति, पूरे परिवार की क्षति है। आपके गांव में बहुत सारे युवा सेना में? हाँ है ना। कितने होंगे लगभग? लगभग होंगे 25-30 युवा। गजराज जी, ये बताइए, आपके यहाँ जो जितेंद्र वर्मा शहीद हुए, वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे पुत्र थे, लगते थे, मतलब हमारे मेरे छोटे भाई के बच्चे, मतलब मैं उसका ताऊ जी हूँ। तो जितेंद्र वर्मा आपके भाई के बेटे हैं ना? हाँ, मेरे भाई के। कितने बहन भाई है ये? ये दो भाई दो बहन हैं। तो इनके जो आजीविका साधन था, वो सिर्फ सेना की नौकरी या और कुछ भी आय के साधन है? इसको जमीन वमीन तो बहुत कम है साहब हमारे पास, और इनको यही जज्बा था कि मतलब हम आर्मी में ही काम करेंगे, मतलब। और हमारे भाई को जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वो आर्मी की शिक्षा देते थे, मतलब ये। और आपके गांव से कितने सेना में लोग युवा है? करीबन हमारे गांव में से करीबन तो मतलब 20-22 लड़के हैं मतलब सेना में। मतलब यह कि देश सेवा और मातृ सेवा के, मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके गांव से 20-25 युवा है जो सेवा दे रहे हैं ना? सेवा दे रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने बच्चे हैं जितेंद्र के? जितेंद्र का एक बच्ची है, एक बच्चा है। कितने साल के होंगे ये? 3 साल की बच्ची है और 1.5 साल का बच्चा है। और सभी की मतलब बड़े भाई की इनकी शादी हो गई? एक उसके छोटे भाई जो जितेंद्र है, उसके छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। और ये जैसा जितेंद्र के मम्मी पापा का स्वास्थ्य? हाँ, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मतलब मम्मी का मतलब बीमार रहती है ना? बीमार रहती है। तो अब ये बताइए, आप सरकार से क्या मांग करते हैं, जिससे कि, क्योंकि अभी तक जो घर का की अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था जितेंद्र की सैलरी से हो रहा था, अब जितेंद्र शहीद हो गया, तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सर, हम वही यही चाहते हैं कि उसको मतलब नौकरी में भाई को मतलब शासन से की कोई भी सहायता या नौकरी दे सकते हैं। अच्छा, ये और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस और आगे मैं क्या कहूँ, बस मैं तो कहा नहीं जाता मतलब सर। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।